इसमें मुद्दई को बोलने की इजाजत नहीं होती। जो मुद्दई होता है उसको वकील बोल सकता है, तो वकील तो है इमाम के पास, इमाम बोलने से रोका जा रहा है, कहीं आप बोल ही नहीं सकते। इमाम को बैठा दिया गया, कैदी बना अली की शेख ने आगे बढ़ा। अब मुझे नहीं पता नबी या दसवीं मजलिस में आप किस अंदाज में सुनेंगे अली की शेख ने को, यानी कि अली की शेख ने आगे बढ़ी कहा, यजीद तेरी क्या औकात जो कि इनको बोलने से रोक ले, जमाने के इमाम है, जमाने के इमाम है। बीवी ने किस तरह से माहौल बनाया दरबार का, आखिरी मजलिस में इंशाल्लाह होगा। इमाम अपना सारा माहौल अपने हक में करके एक सदा खुमिया से है, खुमिया मौलानी, जिस ज़ैनब ने पूरे दरबार पर कब्जा कर लिया, उसने कहा कि ये मेरे सैयद, ए मेरे मौला, आप उठिए। ये जमाने को बता रही है कि ये ज़ैनब के भी मौला है, ये ज़ैनब के भी सैयद। इमाम को कहने लगे सारे दरबारी, बोल लेने दे यजीद, तेरा क्या लेंगे, ये तो कैदी है, बीमार है, लड़खड़ा रहा है, क्या कहेगा, बोल लेने दे। इमाम जैसे ही खड़े हुए और इमाम ने बोलना शुरू किया, इधर इमाम बोल रहे थे, उसे यूं लग रहा था कि सज्जाद नहीं बोल रहे, अली की सुफ़ार बोल रही है। इमाम ने बोलना शुरू कर दिया, उसके मिंबर पर जलजले आने लगे, वो कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, तड़प के कहा अजान दो। इमाम ने जब अजान देना शुरू हुई, इमाम खामोश, लेकिन जैसे ही नामे नामे मोहम्मद आया, मेरे इमाम ने फरमाया, यजीद बस इतना बता दे, यजीद बस इतना बता दे, मोहम्मद तेरे नाना है, ये मेरे नाना है। अल्लाह अकबर की आवाज आई, यजीद ये बता, ये नारा तेरे बाप का है, ये मेरे बाबा का है। यजीद ने देखा कि यहाँ अजान से भी कुछ नहीं होगा, उसने भागने की कोशिश की, अली के शेर ने बिखरना शुरू किया, एक आवाज आई, ठहर, भागने वाले बेगैरत बुजुर्गों की बेगैरत औलाद, नहीं पता कैसे सुनेंगे आप। दरबार का तमाम हाल मुझे आखिरी मजलिस में बयान करना है, लेकिन आज सिर्फ एक नजारा देख लीजिए। इमाम की आवाज आई, और भागने वाले बेगैरत बुजुर्गों की बेगैरत औलाद, इतना बताकर जा कि मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है। ये आवाज कुरान में, जो अजान में नमाज की आवाज और कुरान की आवाज को बुलंद करने वाला तेरा बाबा है, तो मेरा बाबा है। जाने नहीं दिया बाबा, कहा जानना है चले जाना, लेकिन पहले मुझे ये बताने दे कि तू कौन है। मैं नहीं 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 नहीं, ऐसे हक अदा नहीं होगा, पहले मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और तू कौन है। इमाम ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद अली के शेर ने कहा कि यजीद सलवात पढ़े, आपको बिल्कुल खौफ ही नहीं आता, आपको डर नहीं लगता, आपके बाप और बाप
इमाम ने फरमाया हमारे हुसैन नहीं गए, कत्ल तू हुआ है, कत्ल तू हुआ है। अब मैं कत्ल हो गया, कहने लगा मैं कत्ल हो गया, मेरा तो तख्त है, मेरा तो ताज है, मेरी तो हुकूमत है, मेरा तो दरबार है। वो कहने लगा जो आपको नजर आ रहा है कि दरबार भी मेरा है, तख्त भी मेरा है, हुकूमत भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, शहर भी मेरा है। इमाम ने फरमाया बेशक यजीद तेरा तख्त है, तेरा दरबार है, तेरी हुकूमत है, तेरा घर है, तेरे लोग है, सिर्फ आज सिर्फ आज यजीद कल न तख्त तेरा। बाकी ये नहीं, अभी जो दो जुमले मुझे कहने सारी थकान उतर जाएगी दिन भर की, थकेगा नहीं। यानी कि यजीद न तख्त तेरा, न हुकूमत तेरी, न दरबार तेरा, न लोग तेरे, न शहर तेरे। कल यजीद याद रखना कि तख्त भी हमारा होगा, शहर भी हमारा होगा, दरबार भी हमारा होगा, दरबार भी हमारे होंगे। कहा यजीद हुकुम भी हमारा होगा, चली को खबर भी नहीं होगी, हमारी होगी, रोजा भी हमारा होगा, खबर भी हमारी और रोजा भी हमारा, ये सब कुछ हमारा होगा। क्योंकि जिस दिन से इमाम को उसने कैद किया था उसे नींद नहीं आती। अब सानिया ने कहा यजीद मेरा दिल नहीं है जी कहने का, उसे इतनी नजिस हस्ती है, हम बोलने नहीं चाहते। सानिया ने क्यों बोलने, हाँ किसी का भी हो ही नहीं सकता। अच्छा उसने उससे कहा उसने उससे कहा यजीद सोता क्यों नहीं, हो सकता उसका अब्बा मामिया ने कह दिया सोता क्यों नहीं यजीद। तो उसका जवाब आया क्या करूं जब से अली का शेर कैद में आया है। हम कहेंगे वो तो कैदी है, वो तो बीमार है, तेरा तो ये महल है, तेरा रेशमी लिबास है, तेरा मखमली बिस्तर है, सब कुछ तेरा हो रहा है, आराम है, कलीजे हैं, तो सोता क्यों नहीं है। तो जवाब तो यही आएगा क्या करूं जब से अली का शेर कैद में आया है, इसकी जंजीरों की झनकार मुझे सोने नहीं दी। इसकी जंजीरों की झनकार मुझे सोने नहीं देती। तो हमने कहा यजीद वो तो कैदी है, वो तो बीमार है, वो तो खाक पर बैठे हुए हैं, हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, फिर तुझे क्यों नींद नहीं आती क्या सहो। तो जवाब आया एक तो है अली का शेर, ऊपर से है जख्मी। मैं इससे ज्यादा वजनी मेरी औकात नहीं कि मैं जुमले इमाम के लिए लाऊं। एक तो है अली का शेर, ऊपर से है जख्मी, और जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं, जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं। तभी तो कहते हैं कि बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फिरौने शाम का दुश्वार कर दिया, सोना फिरौने शाम का दुश्वार कर दिया, जालिम की नींद बांध ली, जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया, ऐसा बीमार किया कि यजीद को कुछ न बचा, सज्जाद का सब कुछ है। आज यजीद का कुछ नहीं है, अगर किसी के बेटे को यजीद कहकर पुकारो खानदानों के झगड़े पड़ जाए, और ऐसा झगड़ा चलेगा जो नस्ल दर नस्ल चलेगा, एक दूसरे से कह मरेंगे उसने यजीद कहा। कितनी नफरत भर दी हुसैन के बेटे ने किरदार यजीद दुनिया के दिल में, उसकी असल हकीकत बताई। आज आप किसी को किसी एक्टर के नाम से भी पुकार लें तो उसे बुरा नहीं लगता, आप मोदी भी कह के पुकार दें बुरा नहीं लगेगा, आप योगी कह के पुकार दें बुरा नहीं लगेगा, सर यजीद कह के पुकार दे गिरबान पकड़ दे। कोई चाहता ही नहीं कि किसी की औलाद को भी कोई इस नाम से पुकारे, और आप किसी को ये कह दे नहीं हुसैन नाम रखिए, नहीं सज्जाद नाम रखिए, उनसे मुखातिब हूं जो टूटी फूटी और घूटी नाम रखते हैं, आपको नाम रखने हैं तो इतने इतने हसीन नाम है, नाम रखिए जैनब, नाम रखिए सकीना, नाम रखिए मरियम, नाम रखिए रुकैया, नाम इतने दिए हुए हैं लेकिन मॉडर्न नाम चाहिए, इनसे ज्यादा मॉडर्न नाम क्या होगा, इससे ज्यादा हसीन नाम क्या होगा। तो जब इमाम आखिरी, अब मेरा जुमला है, इमाम आ गए हैं दरबार में, उसकी हुकूमत आखिरी सांस ले रही है, अब तख्ता उलटना है, तख्ता पलटना है, ये
बीमार ऐसा था तो ज़ुल्फ़िकार वाला कैसा हो। आखिरी मेरे जुमले फिर मसाइल की मंजिल। हालात ये हो गए दरबार के कि दरबार में अफरा तफरी। अब उसने तलब कर कहा आखिर ये है कौन, आखिर ये है कौन। कहा मैं बतूल का पोता हूँ, मैं उसका पोता हूँ कि जिसकी चौखट पर सितारे सलाम करने आते हैं। मैं उसका पोता हूँ जिसके दादा को पढ़ा के आया सलाम करती है। मैं उसका पोता हूँ जिसके पापा का झूला फरिश्ते चलाते हैं। मैं उसका पोता हूँ जिसकी दादी रोटी बनाकर रिश्तेदारों को देती है तो कुरान की आयत नीचे आ जाती है। मैं उसका पोता हूँ जिसकी दादी के एहतराम में मोहम्मद जैसे नबी खड़े हो जाते हैं। तो मौला ने फरमाया तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ। तो मंजर ये था, इमाम ने अपना तारुफ करा के बताया कि मैं अली हूँ, अली का पोता, हुसैन का बेटा। तारुफ करके हालात ये हो गए, मंजर ये था कि एक कैदी ने गरज कर सरे दरबार कहा मुझको पहचान ये सज्जाद है। लिखने वाले हैं इफाम अतरौली, मुझे बहुत ज्यादा उनकी शायरी पसंद है। एक एक लफ्ज मोती है जिसकी कीमत नहीं दे सकता जमाना, पूरी दुनिया की कायनात एक तरफ और ये चंद जुमले मौला की शायरी एक तरफ। अगर बीवी आपको पसंद आए शहजादी तो बस हमें अजर अता फरमा देना कि लिखने वाले की परवरदिगार उम्र दराज हो और इसमें इजाफा हो, सुनने वालों की हर एक नेक आदत को। एक कैदी ने गरज कर सरे दरबार कहा मुझको पहचान ले सज्जाद हूं मैं, मेरे दादा को सभी शेर खुदा कहते हैं, मेरे बाबा को शहे कर्बला कहते हैं, मेरे अम्मू को शरीयत की अता कहते हैं, एक को खाता है खैबर की दुआ कहते हैं, वो जो गलत कहलाता कि आपके अख्तियार में कुछ नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया एक को खाता है खैबर की दुआ कहते हैं, मेरे अम्मू को शरीयत की अता कहते हैं कि मेरी ठोकर से ये तस्वीर बदल सकती है, मैं जो चाहूं तो ये दीवार भी चल सकती है, मैं जो चाहूं तो ये दीवार भी चल सकती है। उसने कहा बड़ा नाज है खुद पर, हुसैन कत्ल हो गए बाकी के आप बेटे हो, आपका कुछ रहा नहीं। इमाम ने फरमाया खामोश, सब्र शब्बीर को तो कैद नहीं कर सकता, सब्र शब्बीर को तू कैद नहीं कर सकता, दीन की तकदीर को तू कैद नहीं कर सकता, हक की शमशीर को तू कैद नहीं कर सकता, मेरी तकरीर को मेरी तकरीर को तू कैद नहीं कर सकता, मेरा हर लफ्ज हकीकत की गिरा खोलेगा, मैं जो बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा, मैं जो बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। तो कहा इतना नाज है, इन्हें खौफ नहीं, इन्हें डर नहीं लगता, का डर है उस खुदा का, शौक है उस खुदा का, मोहब्बत है उस खुदा की। तो यजीद तू जानना चाहता है कि तेरी और मेरी हैसियत में फर्क क्या है। तो इमाम ने उससे कहा कि तू मुझे खौफ दिलाना चाहता है, मैं शेर का शेर बेटा हूँ, मैं शेर का शेर बेटा हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि तू याद रख बाद शब्बीर शरीयत का निगेबान हूँ, बाद शब्बीर शरीयत का निगेबान हूँ मैं, दीन की शान हो और आतिश कुरान हो, सद्दकाहों की कसम सजदों की पहचान हूँ मैं, ताकि नहीं आखिरी जुमले हैं फिर मसाइब की मंजिल। सद्दकाहों की कसम सजदों की पहचान हूँ मैं, कैदी होते हुए भी फातह जिंदान हूँ मैं, कैदी होते हुए भी फातह जिंदान हूँ मैं, और अपने अजदाद की उन लानतियों की, अपने अजदाद की लानती इतने लानतियों की, आप नहीं बोलेंगे यही कहते होंगे कि अपने अजदाद की लानतियों की, अपने अजदाद की लानती इतने लानतियों की, अपने अजदाद की रूहों से इजाजत ले ले, तेरे दरबार में दम हो तो बैत ले ले, तो बैत ले ले।
कहा ये तो डरते ही नहीं। क्यों डरे? ये वो इमाम है जिसकी आवाज आ रही है कि शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता है। शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता हूँ। शेर दिल शेर जिगर याद करिए याद करिए। शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता हूँ। शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता हूँ। अपने हाथों की लकीरों में जबर शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता हूँ। अपने हाथों की लकीरों में जबर रखता हूँ। शाम को सुबह बनाने का हुनर कर लिया उसने। ये शाम को सुबह बनाने का हुनर है। आखिरी जुमला है आखिरी और इतनी सुभान अल्लाह है कि उनके कलेजे फट जाए। क्योंकि बेशक तस्वीर आवाज तो आपकी जानी जानी है सुभान अल्लाह की। ये शेर दिल शेर जिगर शेर नजर रखता हूँ। अपने हाथों की लकीरों में जबर रखता हूँ। शाम को सुबह बनाने का हुनर रखता हूँ। शाम को सुबह बनाने का हुनर रखता हूँ। और अब न चल पाएगी ना पाक न जा सक तेरी बदे हाथों से कुचल दूंगा हुकूमत तेरी। फिर एक नजर उसने को देखा सिर्फ 6 महीने वाले सर को देखा। फिर 18 बरस वाले सर को देखा। फिर उन सरों को देखा कि जिन पर चादर ने उस बहन को देखा कि जिसके रुखसार नहीं हो चुके। आवाज यजीद जिसकी माँ के एहतराम में नाना भी खड़े हो जाते थे फिर उन सरों से चादर छीने। कह रहे हैं मेरे पांव के छाले सजे। कह रहे हैं मेरे पांव के छाले सजे। आने वाले शहादत को जाए सुले। मेरी दादी को सबको छीनने वाले सुले। इस तरह खून तहनी की महक छाएगी तेरे बेटे को तेरे नाम से घिनाएगी। हाथों में रस्सियां बांधी जिनका भोसन भी लेकिन जो सुबह तक उतार हो रही है ऐसे हरम गर्भ कयामत की सुबह उसका मातम आज कायनात की हर व्यक्ति में हो रहा है जिसने 72 को 40 साल उनके हाथ को रोक कर लगा रखी। आज मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जैसे रोइए कि लगना चाहिए हमारे घर से सुबह को जनाजा हो पता चलना चाहिए। आज कि हमारे घर से कायनात की कोई ऐसी बस्ती नहीं कि जहां से आज भाई कमाशा हो जना जना। इसलिए कि जो 40 बरस 72 को हुआ वो थक कर साबूत में सो जाए। आज रोने के लिए जिसको 72 आए हैं कहीं कासिम रो रहे होंगे कहीं अली अकबर रो रहे होंगे कहीं अब्बास रो रहे होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कौन कौन सी बात को ध्यान करो क्या मैं शामिल गरीब ध्यान करो क्या मैं बाजार बयान करूं क्या मैं व्यापार बयान करूं। वो वक्त याद करके रोना कि जब सैयद सज्जाद सजदे के लिए झुकते नंगे नामे तो अपने बड़ी हुई मेरे गर्दन के अंदर देवर करना
जला हुआ झोला दे दे, यदि अगर मुझे देना चाहता है तो मुझे
होता है बड़ा मामला है। हाय शाम, हाय सजाद, हाय शाम, हाय सजाद। एक एक कब्र रुकाता रहा, इमाम सीने से लगाते रहे, चूमते रहे, इमाम सीने से लगाते रहे, चूमते रहे, आंखों से लगाते हैं। अब सामने जला हुआ झुलाया, पेशगी आ गया, बाबा का हमाम आ गया, तीन रोज की प्यास याद आ गई, लुटी हुई बाली आई, लुटी हुई बाली आई, जिंदान में सो जाने वाली याद आ गई। जब बच्ची देखी 18 बरस का भाई याद आ गया, जब अलम आया 32 बरस का अलमदार याद आ गया। मातम करो मातम, आज न रो सकता वो कभी नहीं होता, जिसकी नाम से आंसू आज न बहा वो कभी आंसू नहीं बहा पाएगा। ये हो सकता है समझात है, मैं कैसे कहूँ, खुल गई मत करिया, खुल गई बेड़िया, उतर गया गले का तो झुकाए हुए सर को। इमाम आए जिंदा ने शाम में, जैसे ही ज़ैनब की नजर पड़ी, तड़प के अली की बेटी खड़ी हुई, अहले हरम ने कहा सज्जाद रिक्या से बेड़िया कहाँ गई, मेरे सज्जाद ये हाथों की हथकड़िया कहाँ गई, ये गले का तो कहाँ गया। अब आती फूफी अम्मा, मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे मेरे अच्छे जगह साथ दे दीजिए। बीबियों ने सोचा कि सज्जाद
अब्बास का मातम करेंगे। बीवियों ने सोचा सज्जाद अब्बास का मातम करेंगे कि माँ हमने खून से हुसैन के आलूदा मामा निकाला, उसकी झोली बनाई, आगोश आगोश में असर अब्बास लिया, माथा चूमते जाते हैं, रोते जाते हैं। बीवियों ने सोचा अब्बास मातम करेंगे, बीवी रवाब फंसा के गिर गई, सैनब खाक पर बैठ गई। अब्बास ने घात में अलम लिया, दूसरे में अलमदार का सर लिया, सकीना के कब्र के तरफ चले सज्जा,